स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरएस ग्रुपिंग यानी कि आरएस फैक्टर की बात करते हैं। स्टूडेंट आपको पता है कि जैसे हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड ग्रुप हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें बेसिकली आपको ए ब्लड ग्रुप और आपका जो होता है कि बी ब्लड ग्रुप और आपका ओ ब्लड ग्रुप यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो होता है स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, अपलोड है। ठीक, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट बेसिकली क्या है कि आरएस ग्रुपिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आरएस ग्रुपिंग की बात करेंगे स्टूडेंट कि आरएस ग्रुपिंग होता क्या है। ठीक है, आरएस ग्रुपिंग की बात करेंगे। जैसे कि आप पता होगा स्टूडेंट आपको कि जो आरएस ग्रुपिंग इसके थोड़ा डिस्कवरी हम लोग चलते हैं। जो आरएस ग्रुपिंग है स्टूडेंट यानी कि क्या है, आपका आरएस एक एंटीजेंस होता है। क्या होता है? आरएस आपका एक एंटीजेंस होता है जो आपके आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है स्टूडेंट? आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। सबसे पहले जो होता है स्टूडेंट कि जो आपका आरएस एंटीजेंस है, इस आरएस एंटीजेंस को रेसस मंकी आपका है, रेसस मंकी, ठीक, रेसस मंकी में स्टूडेंट जो होता है इसको देखा गया था। किसको? जो आपका आरएस एंटीजेंस है। इसीलिए देखिए क्या है कि इसका नाम रख दिया गया आरएस एंटीजेंस। एनसीईआरटी का क्लाइंट स्टूडेंट बताता है कि मेजॉरिटी में मैक्सिमम जो होता है 80% ऑफ वुमेन्स, 80% ऑफ वुमेन जो है आरएस एंटीजेंस पाए जाते हैं। अब देखिए क्या है कि जो आरएच एंटीजेंस की बात कर रहे थे, यहां पर जान लीजिए आप कि जो आरएच एंटीजेंस है स्टूडेंट, इस आरएच एंटीजेंस का कोई एंटीबॉडी आपके बॉडी में नहीं है। वह आरएच एंटीबॉडी जो होता है कि बनाया जाता है, बनता है, जैसे कि आप पहले से जैसे आपको बताया था कि अगर आपके आपका ब्लड ग्रुप जो होता है स्टूडेंट ए है, इसका मतलब आपके बॉडी में एंटीबॉडी जो होता पाया जाएगा बी, ये आपको पता है। ठीक, यहां पे क्या है स्टूडेंट कि इसके अगेंस्ट जो होता है कि इसका अपोजिट कोई एंटीबॉडी आपके बॉडी में नहीं है, बनते हैं। इसीलिए क्या है, इसमें अभी आपको बताया जाएगा कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कैसे होता है, कैसे एम्ब्रियो का जो होता है स्टूडेंट डेथ हो जाता है, फेटस में ही डेवलपमेंट के टाइम क्या होता है एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है, प्रेगनेंसी लीड कैसे नहीं होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी कैसे जो होता है नॉर्मल होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यह सब मैं बताऊंगा। ठीक, अब देखिए क्या स्टूडेंट कि ओवरऑल तो मैंने बता दिया कि इसका बेसिक चीज जैसे आरएस ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं तो आरएस आपका एंटीजेंस होता है और ये आरएच एंटीजेंस होता आरबीसी के सरफेस पर पाए जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि आपका जो होता है कि ए एंटीजेंस, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब हुआ कि आपके आरबीसी के सरफेस पर जो होता है स्टूडेंट एंटीजेंस जो होता है आपका ए है। क्या है? ए है। अब देखिए क्या, अगर आपके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजेंस ए है, साथ में अगर आरएस एंटीजेंस भी है, ठीक है, यानी कि आरएस पॉजिटिव, क्या कहेंगे आप, आरएस एंटीजेंस भी है, तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि आपका जो ए ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं इसको हम लोग कहेंगे ए पॉजिटिव है। ठीक है, अगर जो होता आरएस जो होता निगेटिव, निगेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट की यहां पर जो होता आरएस एंटीजेंस नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये निगेटिव है। क्या स्टूडेंट? ए निगेटिव। यानी कि जैसे क्या है कि ए पॉजिटिव हो गया आपका, ए निगेटिव हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, ओ निगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया आपका, बी निगेटिव हो गया, ये जो ब्लड ग्रुप आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव और निगेटिव किसके बेस पर है? ये आरएस एंटीजेंस के बेस पर है। अगर आरएस एंटीजेंस प्रेजेंट है तो इसका मतलब हुआ कि वह ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव होगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब वह ब्लड ग्रुप आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले देखिए क्या कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है आरएस एंटीजेंस और एंटीबॉडी की जो लोग बात कर रहे हैं। यहां पे देखिए एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट में बता रहा हूं, पहले इसको अगर आप समझ जाएंगे तब जो होता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस आप बहुत इजी वे में समझ जाएंगे।
ठीक है, पहले आपको यह समझने की जरूरत है। आपको पता है स्टूडेंट कि कोई भी अगर एंटीजेंस होगा, यानी कि अगर फॉरेन पार्टिकल्स है, तो इस एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारे बॉडी में क्या बनते हैं? एंटीबॉडी बनते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, जैसे मैं कह रहा स्टूडेंट, देखिए ये मैं ले रहा हूं यहां पर कि आरएच पॉजिटिव, ये आरएच पॉजिटिव, और ये आपका स्टूडेंट होता आरएच निगेटिव, ये आपका क्या है? आरएच निगेटिव है, और ये जो आरएच निगेटिव देख रहे हैं ये आपका फीमेल है, क्या है? फीमेल है। और ये जो आरएच पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, यहां पे मेल को भी ले सकते हैं आप और फीमेल को भी ले सकते हैं, ठीक है, मान चलिए मेल भी और फीमेल भी है। अब देखिए क्या स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो होता कि मेल यहां पे क्या है, मेल है, इसका मतलब ये मेल आपका आरएस पॉजिटिव होगा, और यहां पे अगर फीमेल है तो भी आरएस आपका पॉजिटिव है। यहां पर जो होता है कि आरएस निगेटिव का मतलब है कि इस फीमेल के पास आरएस एंटीजेंस नहीं है। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि जो आप देख रहे, सपोज डेट यहां पे इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव का मतलब है स्टूडेंट कि इसके पास होता है एंटीजेंस है, कौन सा एंटीजन? आरएस एंटीजेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे कि इसके आरबीसी के सरफेस पर क्या क्या पाया जा रहा है, इसके आरबीसी के सरफेस पर देखिए, एक तो जो होता है स्टूडेंट एंटीजेंस ए है, तभी जो होता है इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, प्लस अब ये पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास आरएच भी है, आरएच एंटीजेंस भी है, ठीक है। अब इसके आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजेंस भी है और इसके आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजेंस भी है। अब मान लीजिए कि ये फीमेल जो आप देख रहे हैं, इसका जो होता है कि अगर ए पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव हो नहीं सकता, क्यों नहीं सकता? क्योंकि इसके पास होता है कि आरएस एंटीजेंस है नहीं। तो अब मान लीजिए इसका क्या होगा, ये आरएस निगेटिव है, ये क्या स्टूडेंट? आरएस निगेटिव। अब देखिए क्या है, किसी केस में निगेटिव का मतलब क्या है कि इसका जो आरबीसी होगा, इस आरबीसी के पास क्या होगा स्टूडेंट? एंटीजेंस होगा, ए एंटीजेंस है, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप भी क्या है स्टूडेंट? ए है, ठीक है। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि इसके पास एंटीजेंस ए है, तभी इसका ब्लड ग्रुप ए हुआ। लेकिन इसके पास जो होता है कोई जो होता आरएस एंटीजेंस नहीं है, ए एंटीजेंस है लेकिन आरएस एंटीजेंस नहीं, यहां पे ध्यान देना आपको। अब मान लीजिए जो होता है कि ये फीमेल जो देख रहे हैं आप, इसको जो होता है ब्लड की रिक्वायरमेंट है, ब्लड की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है स्टूडेंट। तो अब यहां पे होगा क्या कि जो देख रहे हैं ब्लड की जरूरत है, तो ये अगर मान लीजिए कि मेल अपना ब्लड जो होता है कि इसको दिया, ठीक है, इसको ब्लड की जरूरत था, ठीक है, एज ए पेशेंट समझिए, तो ये जो होता अपना ब्लड इसको दिया, तो जब ये जो होता है कि आरएस पॉजिटिव वाला अपना ब्लड देगा, तो ये आपका फीमेल आरएस निगेटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके जो आरबीसी जो देख रहे हैं आप, इसके बॉडी में जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है, तो पॉजिटिव का जाएगा, इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो होता है कि एंटीजेंस ए भी आ गया और यहां पे जो होता है कि आपका क्या आ गया, आरएच एंटीजेंस आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट? आरएच हो गया। अब देखिए क्या है कि पहले इसके बॉडी में आरएच एंटीजेंस नहीं था, लेकिन जो होता है कि जब ये अपना ब्लड डोनेट किया है, दिया है, और ये आपका आरएस पॉजिटिव था, तो ये आरएस एंटीजेंस अब जो होता है कि फीमेल की बॉडी में इंटर कर गया, और ये आपको पता है कि ये एज ए एंटीजेंस होता है स्टूडेंट जब पहले से इसके बॉडी में नहीं था और बाहर से जो होता है कि यानी कि डोनर से जो होता है इसके बॉडी में जा रहा है, तो ये एंटीजेंस होता एज ए फॉरेन पार्टिकल्स हुआ, क्या हुआ? फॉरेन पार्टिकल्स हुआ। अब जब ये एंटीजेंस आप देख रहे हैं कि ये आपका फॉरेन पार्टिकल्स है,
तो अब होगा क्या स्टूडेंट कि जो आप देख रहे हैं कि ये फीमेल था हियर, तो इस फीमेल का अपना एक इम्यून रिस्पांस होगा, क्या होगा, इम्यून रिस्पांस होगा। जब ये अपना इम्यून रिस्पांस होगा तो होगा क्या स्टूडेंट कि अब इसके बॉडी में जो होता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि आरएस पॉजिटिव आरएस एंटीजन आ गया है, तो आपको पता है कि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, ये बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, ये बी लिम्फोसाइट्स जो होता है स्टूडेंट प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे और मेमोरी सेल्स बनाएंगे। जो प्लाज्मा सेल्स देख रहे हैं स्टूडेंट, ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा आईजीएम और आईजीजी। अब यहां देखिएगा, इस केस में सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी बन रहा हुआ बन रहा आईजीएम, क्या बन रहा है, आईजीएम बन रहा है। अब जो आईजीएम देख रहे हैं कि एंटीबॉडी आपका बना है और आईजीजी यहां पे कम बन रहा है, अब क्या होगा कि जो आप देख रहे हैं कि ये एंटीबॉडी बन रहा है तो अब इस फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट ये इसके बॉडी में जो होता है फीमेल के बॉडी में एंटीबॉडी बन गया, यानी कि पहले तो नहीं था, अब आरएस जो होता है एंटीजन एंटर किया तो इस आरएस एंटीजन के अगेंस्ट जो होता है, क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल्स है तो इसके अगेंस्ट जो होता है कि बी लिम्फोसाइट्स की जो प्लाज्मा सेल्स होगी वह क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगी, क्यों, क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल्स है। अब मान लीजिए कि किसी भी केस में ठीक है, फिर अगर इसको जो होता है कि ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है, मान लीजिए पेशेंट ठीक हो गई, फिर अगर फ्यूचर में जो होता है इसको क्या है कि ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ब्लड की जरूरत है इसको, तो अगर इसको ब्लड की जरूरत है तो फिर ये सोचेगी कि जो इसे पहले से होता है इसको ब्लड दिया था उसी से जो होता है कि ब्लड हम ले लेते हैं फिर, तो जब इससे फिर ब्लड लेगी तो अब यहां पे क्या होगा कि जैसे आपको पता है कि ये क्या है, इसके पास तो आरएस पॉजिटिव है, क्या है, आरएस पॉजिटिव यानी आरएस एंटीजन है, इसके पास आरएस एंटीजन नहीं था, लेकिन जब फर्स्ट बार क्या होता है ब्लड लिया इससे तो इसके पास आरएस एंटीजन एज ए फॉरेन पार्टिकल के फॉर्म में गया और इसका बॉडी जो होता है कि एंटीबॉडी बना लिया है उसके अगेंस्ट। तो अब फ्यूचर में जब दोबारा जो होता है कि अगर ये ब्लड डोनेट करेगा देगा तो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स होगा, जब सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स होगा स्टूडेंट, इसी में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको, क्या होगा, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स होगा, जब सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो उस टाइम क्या होगा कि इसकी बॉडी में आईजीजी एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बनेंगे, मैक्सिमम बनेंगे, और जब आईजीजी एंटीबॉडी मैक्सिमम बनेंगे स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह से वाई शेप में एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी बनेंगे, क्यों, क्योंकि जो होता है कि अब यहां पर क्या है, यहां पे जो होता है कि आपका बी लिम्फोसाइट्स है और आपका जो होता है प्लाज्मा सेल्स है, आपका मेमोरी सेल्स है, मेमोरी सेल्स तुरंत होता है प्लाज्मा सेल्स को मैसेज देगा, ठीक है, कि इससे पहले जो होता है कि आरएस पॉजिटिव एंटीजन हमारे बॉडी में आया था, इसको मेमोरी सेल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको सब पता रहता है, ये याद करके रखा रहता है, समझिए, ठीक, ये तुरंत क्या करेगा, प्लाज्मा सेल्स को मैसेज देगा, प्लाज्मा सेल्स तुरंत एंटीबॉडी बनाएगी आईजीजी, आईजीजी बनेगा और आईजीएम बनेगा, आईजीजी मैक्सिमम बनेगा, और ये आईजीजी जो एंटीबॉडी होता है ये जाएगा और तुरंत क्या होगा कि जो फीमेल का आरबीसी है, जो फीमेल का आरबीसी है उस आरबीसी को क्या कर देगा, वहां पर क्लंपिंग कर देगा, क्या करेगा स्टूडेंट, क्लंपिंग कर देगा, और जब ये क्लंपिंग कर देगा तो उससे क्या होगा कि इसके आरबीसी तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, इसका डेथ भी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यही चीज आपको समझना है एरिथ्रोब्लास्टोसिस में, इसमें आपको समझना क्या, देखिए मैं एक बार बता दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा कोई पर्सन है जो आरएस पॉजिटिव है,
एक कोई जो फीमेल है वो आरएच निगेटिव, आरएच निगेटिव का मतलब इसके आरबीसी में या फिर इसके ब्लड में जो होता है आरएच आरएच एंटीजन नहीं है, और ये पॉजिटिव है इसका मतलब इसमें एंटीजन है। अब मान लीजिए इसको अगर ब्लड की जरूरत था तो ये ब्लड अगर इससे ले रही है किससे, जिसके पास आरएच पॉजिटिव है, तो ये आरएच पॉजिटिव है तो ये अपना ब्लड जो होता है कि जब इसको देगा तो जाहिर सी बात है कि आरएच एंटीजन भी जाएगा, और आरएच एंटीजन जो होता है इसके पास नहीं था बाय बर्थ। अब जो होता है कि जब आरएच एंटीजन जाएगा तो इसका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, जो फीमेल का इम्यून सिस्टम है उसको ये लगेगा कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से आया हुआ है और ये अपने बॉडी में क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। इनकेस ऑफ फ्यूचर फिर कभी जो होता है अगर वह फिर आरएस पॉजिटिव एंटीजन का जो होता है कि ब्लड ले रही है तो फिर क्या होगा, तुरंत जो होता है कि एंटीबॉडी आएंगे और एंटीबॉडी क्या करेंगे उस फॉरेन पार्टिकल्स को, एंटीजन को, यानी कि आरबीसी को क्या कर देंगे, आप डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी कि जो इसका ब्लड गया है तो ब्लड गया तो आरबीसी गया है, आरबीसी गया तो इसके आरबीसी में क्या है, आरएस एंटीजन भी है, और ये तुरंत क्या कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, क्लंपिंग कर देगा। यही चीज आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस में भी समझना है। तो देखते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस में टोटल आपका हो गया है स्टूडेंट, एरिथ्रोब्लास्टोसिस आपको समझने की जरूरत है। अब देखिए जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस होता है इस केस में क्या होता है कि जो फेटस होता है उस फेटस का डेथ भी होता है। कैसे, आगे देखिए ब्लास्टोसिस कैसे क्या हो रहा है। जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस का हम बात कर रहे हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस में होता क्या है, इसमें होता क्या है कि एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स आप पढ़े हैं, एरिथ्रोसाइट्स का मतलब स्टूडेंट की आरबीसी की बात करते हैं, और जो फेटेलिस का मतलब स्टूडेंट यानी कि जो फेटस है आपका, फेटेलिस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट जो हो रहा था उसका क्या होता, आरबीसी क्लंप कर जाता, आरबीसी उसका जो होता ब्रश कर जाता, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कैसे हो रहा है, यह बेसिकली होता है स्टूडेंट आरएस एंटीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, आरएस होता है पॉजिटिव एंटीजन और जो होता है निगेटिव एंटीजन के बेस पर। जैसे देखिए इसमें होता क्या, किसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस कर रहे हैं हम लोग, हो क्या स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कोई लेडी है फर्स्ट प्रेगनेंसी में है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होता है कि आरएस निगेटिव, आरएस क्या है आपका निगेटिव, मदर कैसी है यहां पे, आरएस निगेटिव है। अब अगर जो होता है कि ये आपका आरएस निगेटिव है स्टूडेंट, इसमें हो क्या रहा, देखिए जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये आपका फेटस, ठीक है, और जो आप देख रहे हैं कि यानी कि एम्ब्रियो की हम लोग बात कर रहे हैं, यही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो इसमें है क्या कि जो आप देख रहे हैं एम्ब्रियो है यहां पे मदर कैसी है, मदर जो होता है आरएस निगेटिव है, तो यहां पे जो होता है कि एम्ब्रियो कैसा है यहां पे आरएस पॉजिटिव है, कैसा स्टूडेंट आरएस पॉजिटिव, अगर इस केस में बात कर रहे हैं, अगर जो होता है एम्ब्रियो आरएस पॉजिटिव है स्टूडेंट तो जाहिर सी बात है कि इस एम्ब्रियो का जो आरबीसी होगा उसके सरफेस पर क्या होगा कि आरएस एंटीजन होगा। अभी मैं आपको इससे पहले ही बताया हूं कि आरएस एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर पाए जाते हैं, तो अगर इसके सरफेस पर जो होता है आरएस एंटीजन है स्टूडेंट तो अब होगा क्या कि एक प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं हम लोग, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है स्टूडेंट, प्लेसेंटा जो होता है कि मदर से होता है कि अटैच होता है, और इसी के थ्रू क्या होते हैं बहुत से न्यूट्रिएंट भी जो होता है कि एम्ब्रियो को पहुंचता रहता है, और ये मैटरनल सर्कुलेशन आप कह सकते हैं, यानी कि मैटरनल सर्कुलेशन प्लेसेंटा जो होता है कि हेल्प कर रहा है एम्ब्रियो के, ठीक। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो होता है कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है फाइनली जो होता है, तो प्लेसेंटा क्या होगा कि बर्थ के टाइम क्या होगा, प्लेसेंटा जो होता है ब्रेक होता है, और जब प्लेसेंटा आपका ब्रेक होगा तो उस टाइम होता क्या है स्टूडेंट कि अगर जैसे ही प्लेसेंटा ब्रेक हुआ थोड़ा सा भी क्या होता है स्टूडेंट कि अगर एम्ब्रियो का जो हम लोग बात कर रहे थे कि आरएस पॉजिटिव है, अगर इसका ब्लड थोड़ा सा भी स्टूडेंट, ठीक है, क्या होगा वह होता मदर में क्या होगा एक्सपोज कर जा रहा है। देखिए मैं लिखा हूं आरबीसी एक्सपोज आउटसाइड टू मदर, ठीक है, यानी कि जैसे प्लेसेंटा ब्रेक होगा तो जो इम्ब्रियो है इसका ब्लड जो होता है कि मदर की बॉडी में जो होता है एक्सपोज हो गया फाइनली, ठीक। अब जैसे ही क्या होगा कि इसके सर्कुलेशन में पहुंच गया, इसके जो होता है ब्लड में पहुंच गया, किसका ब्लड, ये जो आपका इम्ब्रियो था जो आरएस पॉजिटिव है,
तो मदर का तुरंत क्या होगा कि जो बी लिम्फोसाइट्स होगा, क्यों, क्योंकि जो होता है मदर तो कैसी है, मदर निगेटिव है, आरएस निगेटिव है, तो मदर का जो बी लिम्फोसाइट्स होता है स्टूडेंट, ये बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स क्या होगा और मेमोरी सेल्स बनाएगा। अब इससे पहले मैं बताया हूं सेम उसी बेस पे उसी पैटर्न में चल रहे हैं। अब जो प्लाज्मा सेल्स है स्टूडेंट, इस प्लाज्मा सेल्स क्या करता है, एंटीबॉडी बनाएगा, क्यों, क्योंकि जो होता है कि ये आरएस पॉजिटिव अब जो होता है मदर की ब्लड में पहुंच गया है, तो उसका जो मदर का इम्यून सिस्टम होगा, इम्यून रिस्पॉन्स होगा, उसको ये लगेगा कि ये जो होता है फॉरेन पार्टिकल्स है, और जैसे ही क्या होगा फॉरेन पार्टिकल्स को लगेगा वह एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल्स को बनवाएगी, और यहां पे जो एंटीबॉडी बन रहा है स्टूडेंट एंटी आरएस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एंटी आरएस और आईजीएम, अभी बताया हूं मैं कि आईजीएम प्लाज्मा में बन रहा है। तो जो आईजीएम का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिनियम, ठीक है। अब यहां पे लार्ज अमाउंट पे देखिए क्या है कि आईजीएम बना हुआ आपका, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट प्रेगनेंसी तो जो होता है स्टूडेंट कंसीव जो रहता है उसमें एम्ब्रियो की डेथ नहीं होती फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्यों, क्योंकि जो होता है स्टूडेंट कि जब प्लेसेंटा का भला होता है, प्लेसेंटा जो होता है स्टूडेंट जब ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया था, बर्थ के टाइम क्या है स्टूडेंट कि प्लेसेंटा वहां पे ब्रेक हुआ और इम्ब्रियो जो होता है कि रिलीज हो गया। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि उस टाइम जो होता है कि इसके मदर के बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बने रहते, लेकिन जैसे ही क्या होगा कि इम्ब्रियो का जो होता है आरएस एंटीजन्स मदर के बॉडी में पहुंचता है और इसके बॉडी में अब एंटीबॉडी बन गया है, और इसके बॉडी में जब एंटीबॉडी बन गया स्टूडेंट तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, देखिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो इम्ब्रियो बच जाता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि मदर की बॉडी में जो होता है कि एंटी आरएस नहीं बना था, अब क्या हुआ है कि एंटी आरएस बन गया है। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी सेम यही प्रोसेस है, सेकेंड प्रेगनेंसी में देख रहे हैं कि जो एम्ब्रियो होगा, ठीक है, फिटस में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है आपका आरएस पॉजिटिव है, आरएस क्या है पॉजिटिव। अब जब आरएस पॉजिटिव है स्टूडेंट तो अब देखिए किसी भी कारण, यहां प्लेसेंटा ब्रेक होने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बताया हूं कि मैटरनल सर्कुलेशन जो होता है प्लेसेंटा के थ्रू बहुत से क्या आते हैं मदर से एम्ब्रियो को ट्रांसफर होता रहता है, वो आप पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट आप क्लास 12 में पढ़ते हैं पूरा डिटेल। अब देखिए क्या है कि अगर किसी भी कारण जो सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ है अगर इसका ब्लड, ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही अगर आपके जो होता है कि मदर के प्लेसेंटा के थ्रू या फिर जो होता है उसके संपर्क में आएगा, तुरंत मेमोरी सेल्स क्या होगा कि प्लाज्मा सेल्स को मैसेज देगी और प्लाज्मा सेल्स तुरंत क्या करेगा एंटी आरएस और जो होता है यानी कि आईजीजी बनाएगा, और लार्ज अमाउंट में आईजीजी बनते हैं। आईजीजी क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन आपका है, इम्यूनो ग्लोबुलिन है, ठीक है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी की बात कर रहा हूं और जो आईजीएम था, दोनों देखिए डिफरेंस क्या है, आईजीएम और आईजी, आईजीएम का साइज बड़ा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस नहीं करता है, लेकिन जो आईजीजी है इसका साइज बहुत छोटा होता है और ये प्लेसेंटा के थ्रू मदर के बॉडी में से इम्ब्रियो के बॉडी में आ जाएगा, और जैसे ही क्या होगा स्टूडेंट कि अगर इम्ब्रियो के बॉडी में आ गया है, ठीक है, तो इम्ब्रियो के बॉडी में आ जाएगा तो ये इम्ब्रियो के आरबीसी को क्या करेगा स्टूडेंट, तुरंत डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके कारण क्या होगा कि सेकेंड प्रेगनेंसी लीड नहीं हो पा रही है, कंसीव नहीं हो पा रहा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही क्या हुआ था कि आरएस पॉजिटिव एंटीजन्स आरएस जो निगेटिव मदर थी उसके बॉडी में चला गया था प्लेसेंटा जब ब्रेक हुआ, ठीक, जिसके कारण क्या होता है सेकेंड प्रेगनेंसी थर्ड प्रेगनेंसी जो होता है कंसीव ऑफ नहीं होगा, ठीक है। इसी को हम क्या करें, यहां पे ब्रेक हो जा रहा है आरबीसी जो होता है फिटस का पूरी तरह से, आरबीसी इम्ब्रियो का डेवलपमेंट का पूरी जो होती है इम्ब्रियो का पूरा क्या आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस कर रहे हैं, यानी फिटस में ही इम्ब्रियो का क्या हो जा रहा है स्टूडेंट होता है कि जो आरबीसी है वह पूरी तरह से ब्रस्ट कर जा रही है, ठीक है। लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं है, अब क्या है कि इसका जो होता है स्टूडेंट एंटीबॉडी एक है, अगर हमको पहले से पता चल जाता है कि जो एम्ब्रियो है वह एम्ब्रियो जो होता आरएस पॉजिटिव है और जो मदर है वो आरएस निगेटिव है,
तो उस टाइम क्या होता है कि एक एंटीजेंस होता है जिसको हम लोग होता है कि एंटी रोगम कर, सॉरी एक एंटीबॉडी होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं एंटी रोगम करते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट उसको हम लोग, उसको जो होता है कि एंटी रोगम करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कैसे जो होता है प्रिवेंशन करते हैं कि आप जो होता है कि सेकेंड प्रेगनेंसी जो होता है लीड कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, थर्ड प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हैं अगर मदर जो होता है निगेटिव आरएस निगेटिव है। ठीक है, आज होता है एम्ब्रियो आरएस पॉजिटिव है फिर भी कैसे, देखिए एक मैं बता रहा हूं आपको कि एक जो होता है कि रोगम, रोगम जो होता है स्टूडेंट रोगम, रोगम जो होता है स्टूडेंट एक एंटीबॉडी, और जो रोगम एंटीबॉडी देख रहे हैं इसको जो होता है कि एंटी जो आप देख रहे हैं एंटी आरएस भी बोलते हैं। ठीक है, आरएस यानी एंटीजेंस है, एंटी आरएस है आपका एंटीजेंस का, ये जो रोगम एंटीबॉडी होता है ये प्रिपेयर होती है, क्या है प्रिपेयर है, इसको बनाया गया हो क्या रहा है इस काम का यूज करते हैं रोगम एंटीबॉडी का। रोगम एंटीबॉडी का जैसे मान लीजिए कि ये एम्ब्रियो है और कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया है और ये प्लेसेंटा है, क्या है प्लेसेंटा है और ये मदर है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अगर हमको पहले से पता है कि एम्ब्रियो जो होता है कि आरएस पॉजिटिव चल रहा है और मदर जो होता आर एस निगेटिव है तो इस केस में क्या करते हैं कि सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो एम्ब्रियो को दिक्कत होने रहा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जैसे ही प्लेसेंटा ब्रेक होता है उसके पहले से ही, यानी कि अभी जो होता है कि प्लेसेंटा ब्रेक नहीं हुआ उसके पहले से क्या होता है कि रोगम एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो होता है स्टूडेंट मदर की बॉडी में इंड्यूस कर दिया जाता है, कई बार इंड्यूस किए जाते हैं लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है। रोगम एंटीबॉडीज होता है कि जैसे ही इंड्यूस किया जाएगा या फिर देखिए जैसे क्या है कि प्लेसेंटा ब्रेक होगा तो रोगम एंटीबॉडी जब इंट्रोड्यूस रहता है तो वह रोगम एंटीबॉडी की जो हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट एंटीबॉडी वह क्या करता है कि जो यहां पे एम्ब्रियो का आरबीसी है इस आरबीसी से तुरंत जो होता है रोगम एंटीबॉडी बाइंड कर जाता है, और रोगम एंटीबॉडी तुरंत बाइंड कर जाता है जब एंटीबॉडी रोगम एंटीबॉडी आरबीसी से बाइंड कर जाएगा तुरंत अटैच हो जाएगा उसको घेर लेगा चारों तरफ से, तो जो मदर है इस मदर का लिम्फोसाइट तक नहीं पहुंचेगा, और जब इसके लिम्फोसाइट तक नहीं पहुंचेगा तो इसका जो होता है प्लाज्मा सेल्स भी एक्टिवेट नहीं होगा, और प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी बॉडी में जो होता है स्टूडेंट एंटीबॉडी नहीं बनता है। ठीक है, वो पहुंचेगा ही नहीं, अच्छा पहुंचेगा ही नहीं तो प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट नहीं होगा और जो होता है आपका मेमोरी सेल्स एक्टिवेट नहीं, एंटीबॉडी बनने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर रोगम एंटीबॉडी तुरंत क्या करता है यहां पर जाकर के अटैच होता है। तो अगर इस तरह से हम कर लेते हैं होता भी है स्टूडेंट तो क्या होगा सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए कंसीव होता है, थर्ड होता है, ठीक है जितना आप चाहे उतना भी जो होता है स्टूडेंट कंसीव कर सकते हैं इस केस में भी। आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह याद रखना है कि रोगम एंटीबॉडी, रोगम एंटीबॉडी जो होता है स्टूडेंट होता है कि आरएस के हम लोग केस में यूज करते हैं आरएस पॉजिटिव, यानी कि आरएस जो एंटीजेंस है उसके अगेंस्ट का जो होता है एंटीबॉडी आपका है और इसको जो होता है प्रिपेयर किया गया है। ठीक है।